स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा अभियान के 204वें सप्ताह में नगर निगम रिसाली के वार्ड 10 स्थित गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूरे गार्डन की सफाई का स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर रिसाली निगम की महापौर शशि सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित थी। स्वच्छता अभियान टीम स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा पिछले 203 सप्ताह से निरंतर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 204वें सप्ताह में टीम द्वारा रिसाली नगर निगम के वार्ड 10 स्थित गार्डन की सफाई की गई। यहां जंगली गाजर घास की कटाई छटाई करने के साथ ही बेतरतीब ढंग से फैली झाड़ियों की कटाई छटाई की गई। गार्डन में यहां वहां फैले डिस्पोजल पानी पाउच झिल्लियों को हटाया गया। स्वच्छता अभियान में रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा विशेष रूप से शामिल हुई और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने जागरूक किया। स्वच्छता ही सेवा समिति का यह 204 सप्ताह है और यहाँ आज रिसाली नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में आज चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए देख करके। ऐसे ही अपने घर को और अपने आसपास को साफ सफाई करते रहना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। और मैं वार्ड नंबर 10 की पार्षद हूँ जमुना ठाकुर। स्वच्छता अभियान वाले को हम लोग यहाँ एक गार्डन है, छोटा सा गार्डन बनवाए थे पार्षद सिंह के, वहाँ पे ना गंदगी बहुत हो रहा था, अराजकता बहुत फैल रही थी। तो हम लोग सब मिल के तय किए हैं कि स्वच्छता अभियान को बुलाया जाए, ऐसे करके फिर बुलाए हैं उनको और फिर साफ सफाई किए गए हैं। और अब आगे के लिए हम लोग भी मतलब उनसे जुड़ के और सफाई करने के लिए सब प्रेरित रहेंगे। आज हमारे यहाँ पे वार्ड क्रमांक 10 पे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे गार्डन बना हुआ है जिसे अब हमारी जो पार्षद है उनकी सहायता से हम इसे स्वच्छ बना रहे हैं। और आगे हमारी योजना है पार्षद जी के साथ कि यहाँ पे हम पेड़ लगाएं और हरा भरा बनाएं, यहाँ की यहाँ पर पानी की सुविधा हो, बच्चे अच्छे से खेलें। आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन भी बना हुआ है बच्चों के लिए, झूला वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इनकी सहायता से बहुत ही अच्छे से हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी का आज के दिन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यवस्था करने के। बहरहाल इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।